बेल्थावन में सपा का उम्मीदवार कौन? पूर्व जिला अध्यक्ष अध्याशंकर यादव का इंटरव्यू। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर बलिया जनपद के बेल्था रोड से, जहां क्षेत्रीय जनता में यह कौतूहल यह जानने की जिज्ञासा चरम पर पहुंच चुका है। जनता यह जानना चाहती है कि सपा का बेल्था रोड 357 विधानसभा में उम्मीदवार कौन। बीजेपी ने करीब एक हफ्ते पहले यहां से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आज 4 जनवरी को बीजेपी प्रत्याशी के रूप में बेल्था रोड विधानसभा से छट्टू राम ने पर्चा भी भर दिया है। पिछले एक हफ्ते से जब से उन्हें टिकट मिला है, क्षेत्र के दौरे पर जनता के बीच जा रहे हैं। यह जनता को बता रहे हैं, उनके बीच अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का अभी तक उम्मीदवार न होने से लोगों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह सुनने को मिल रहा है कि शायद यहां से गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सुबह सपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। देखना होगा समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार पूर्व विधायक गोरख पासवान व पूर्व मंत्री स्वर्गीय घूरा राम के पुत्र डॉक्टर संतोष राम को टिकट मिलता है या गठबंधन के रूप में किसी और को। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज भारत मीडिया टीम ने पूर्व जिला अध्यक्ष अध्याशंकर यादव, जो खुद ही मधुबन विधानसभा जो मऊ जिले में पड़ता है वहां से टिकट के दावेदार हैं, उनसे इन सब बातों पर जनता द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब लेने की कोशिश की गई, जिसका आगे वीडियो में देखें। उन्होंने पूरी बेबाकी से जवाब देने की कोशिश की। भारत मीडिया की टीम जब वहां पहुंची तो उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष इरफान अहमद, डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग रुद्र प्रताप यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेश सचिव अंगद यादव, पूर्व चेयरमैन व्यापारी नेता मोहन सिंह वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष शिक्षक सभा वीरेंद्र पिंटू, क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेंद्र यादव, पूर्व प्रधान अनिल यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रामाश्रय फाइटर, वरिष्ठ नेता सपा संजय यादव मौजूद रहे। भारत मीडिया के लिए बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। परिचय के साथ शुरू करते हैं, अपना परिचय दें। मैं अध्याशंकर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जैसा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अनकरीब है, 10 फरवरी को जो वोटिंग भी होगा, आप समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, आप अपना मुकाबला किस पार्टी से मान रहे हैं? हमारा तो इस चुनाव में किसी से मुकाबले नहीं है। हमारे मुकाबले में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पार्टी नहीं है। और अभी अखबार आप देख रहे होंगे, सोशल साइट को, मीडिया को देख रहे हैं, पश्चिम से जो पूरब की लहर है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता खदेड़ा कर रही है, उसे साफ हो गया कि पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा है। ये माननीय अखिलेश यादव और उनके गठबंधन के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है और परिवर्तन करने जा रहा है। बड़े पैमाने पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बाकी लोगों का कहीं अता पता नहीं है। तो आप अपनी लहर मान रहे हैं उत्तर प्रदेश में? माननीय अखिलेश यादव जी की लहर है, जबरदस्त लहर है। बीजेपी जो सीधा सीधा दिखा रही है कि समाजवादी पार्टी से उसका मुख्य मुकाबला है, बीजेपी के साथ उनके कुछ मीडिया मित्र हैं, टीवी वाले हैं, कुछ उद्योगपति मित्र हैं, वही इस बात का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि सामाजिक ध्रुवीकरण करने का एक उनका जो है लक्ष्य है समाजवादी पार्टी के साथ सीधा? वो सारा प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफल कहां हो रहे हैं। उन्होंने अभी कल देखा, जो अभी एक ओवैसी साहब की गाड़ी पर जो गोली चलवाया, फिर गिरफ्तारी हुई, वो कौन लोग हैं, कहां ध्रुवीकरण हुआ, किस समाज ने नोटिस लिया और तत्काल सुबह उनको जेट प्लस की सुरक्षा दी गई। पूरा का पूरा समाज, देश प्रदेश देख रहा है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इस चुनाव में सीधे सीधे विकास, रोजगार, उद्योग काम, किसान, मजदूर, व्यापार, ये सारे मुद्दे हैं। अब ये मुद्दे खत्म हो गए, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब के सब मुद्दे खत्म हो गए, मंदिर मस्जिद मुद्दे खत्म हो गए। तो आप नहीं मान रहे हैं कि इस बार जो हिंदुत्व का मुद्दा उनका चलने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता समझ गई कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने झूठ बोल करके सरकार पर काबिज हो लिए थे, इस बार उनका ये दाव चलने वाला नहीं है। इस बार जनता प्रदेश में अखिलेश यादव का एक्सप्रेसवे देख रही है, जनता मेट्रो ट्रेन देख रही है,
जनता 108 102 देख रही है, जनता 1090 देख रही है, जनता टीवी अस्पताल देख रही है, जनता विकास लैपटॉप देख रही है, जनता छात्रवृत्ति देख रही है, जनता समाजवादी पेंशन देख रही है, ये देख रही है। सर, बलिया के पूर्व जिला अध्यक्ष आप हैं, क्या कारण है कि बलिया में अभी तक समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 3 ही सीट की घोषणा की है? समय पर घोषणा हो जाएगी, उनकी राजनीतिक व्यस्तता है और वो तमाम समीकरण साध रहे हैं और बहुत जल्दी, आज तो 4 तारीख का पर्चा दाखिला शुरू हुआ है, 10 को अंतिम पर्चा दाखिला है छठे चरण का, इसके पहले आपको कैंडिडेट भी मिल जाएगा, उम्मीदवार मिलेगा, घोषणा हो जाएगी। समय से उम्मीदवार नहीं घोषित किए जाएंगे तो मैदान में कैसे जो है अपना लड़ाई जो है विपक्ष जो है ताकतवर है उसके साथ जो है पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी के झूठ और इनके कुकर्मों के खिलाफ समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व पर लगातार सड़क पर रहे हैं और सब मुद्दों पर लड़े हैं। इसलिए हम पहले केवल चुनाव में नहीं, हम तो 5 साल से चुनाव में हैं और बराबर इनसे लड़ रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता लड़ा है, सेक्टर में लगा है, बूथ पर लगा है, अपनी विधानसभा में लगा है, जिले में लगा है, हर जगह लगा है, पहले से ही तैयार हैं और ये बातें जो जनता के बीच ला चुके हैं। बीजेपी का विकास का कोई मुद्दा है ही नहीं है, कोई विकास का मुद्दा, विकास पर कोई बहस करता, आज आप देख लीजिए जो लखनऊ और दिल्ली में डिबेट हो रही है वो भी विकास पर नहीं है, उल जुलूल मुद्दे पर बहस हो रही है, जाति पर बहस हो रही है, धर्म पर बहस हो रही है, बाकी इधर उधर की बातों पर बहस हो रही है। हम तो चाहते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, गन्ना के मुद्दे पर बहस करे। जैसा कि गाँव में देखा जा रहा है गरीब तबके के लोग ज्यादा बसते हैं, जो कोरोना काल में जो राशन जो है मिला है बीजेपी सरकार की तरफ से उस पर भी कहीं खुश नजर आ रहे हैं। हम समझते हैं कि जब जब देश में आपदा आया है तब तब देश की सरकार ने राशन और सहायता देने का काम किया है। पिछली बार आप देखे हो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और बलिया में बाढ़ आई थी, आपदा थी और लोगों के घर गिर गए उनको भोजन का, तो यही आटा का पैकेट और दाल का और आलू का पैकेट और तमाम और पैसे माननीय शिवपाल जी के नेतृत्व में बलिया में हेलीकॉप्टर से आकर अपने सामने बंटवाने का काम किया था। कौन ऐसी सरकार है जो आपदा में राहत सामग्री नहीं देती है? लेकिन जरा इनसे पूछिए कि अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी, इन्होंने बाढ़ में क्या दिया है, किस गांव में पे दिया है, कहीं कुछ लगा है? तमाम हमारे यहाँ मधुबन के इलाका में जहां मैं राजनीति करता हूं, जहां से मैं असेंबली का चुनाव लड़ना चाहता हूं, मऊ जिले का मधुबन हमारा तटवर्ती विधानसभा है और वहां बिनटोलिया गांव कटके गिर गया और बताइए बिनटोलिया में इनका एक मिनिस्टर तक नहीं गया, इनका एक जनप्रतिनिधि तक नहीं गया, कोई पैकेज तक नहीं गया उनके लिए, न कोई आवास की सुविधा, न पानी पीने की सुविधा, न भोजन की सुविधा, न दवाई की सुविधा, क्या इन्होंने किया? कुछ नहीं किया। और यही समाजवादी पार्टी की सरकार में संवेदना है, हम संवेदना के साथ खड़े होते हैं और उनको तमाम चीजें जो जो जरूरत होती है हम उनसे पूरा करने का काम करते हैं। जिस तरह से चुनाव ये वर्चुअल माध्यम से हो रहा है, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ जो है पा रही है, जबकि बीजेपी का जो है इसमें बढ़त हासिल है कहा जा रहा है? एकदम बिल्कुल झूठ है और झूठ का पुलिंदा है। ये वर्चुअल रैली की अनुमति दें और न दें, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश की जनता जान गई है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से गवर्न हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितना कह रही है चुनाव आयोग उतना ही कर रहा है। आप बताइए कोरोना का बहाना लेकर के इन्होंने चुनाव में वर्चुअल रैली की बात किया है और वहीं अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं कैराना में हजारों की संख्या में सड़क पर पैदल घूम रहे हैं और घूम ही नहीं रहे हैं, जो पर्चा बांट रहे हैं वो पर्चे पर थूक लगा के बांट रहे हैं। क्या उन पर कार्रवाई हुई? चुनाव आयोग ने उन पर कोई नोटिस लिया? क्यों नहीं लिया? ये वर्चुअल करें न करें, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने इलाके में डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा है। अखिलेश यादव जी की बात हर घर में चली गई है, हर जाति हर धर्म हर समाज में चली गई है। अब इनका कुछ चलने वाला नहीं है, चाहे अब तक ये ईडी का सहारा लेते थे, सीबीआई का सहारा लेते थे, अब ये टीवी का सहारा लेते थे, अब चुनाव आयोग का भी सहारा ले रहे हैं।
चाहे जितना लेना ले ले। तो भीड़ के मामले में तो आप भी कहीं किसी से कम नहीं है। दादरी में 400 लोगों पे आपके खिलाफ मुकदमा पुलिस ने किया है। तो अकेले भी हमारे पर मुकदमा लिख देंगे हम, हमारे हमारी जबान पर तो ताला, बिल्कुल जबान पर ताला लगाए हुए हैं। ये अगर छोड़ दे, इनकी हिम्मत है तो ये छोड़ दे और अखिलेश यादव को निकलने दे। मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव जिस दिन गाजीपुर से लखनऊ रवाना हो रहे थे, सुबह रवाना हुए और दिन भर चले, पूरी रात चले और सुबह 4:30 बजे अंतिम सभा उन्होंने लखनऊ किया। इस बात का प्रमाण था कि अखिलेश यादव आजाद भारत के दूसरे गांधी हैं। कितनी लोकप्रियता आजाद भारत में किसी नेता को हमने देखने को नहीं मिला। एक बार हमने जरूर सुना था कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंका था, तो एक बार पूरा देश उमड़ चला था। बाकी आजाद भारत में हमने अखिलेश यादव के जन समर्थन को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, जिसमें हर जाति धर्म महिलाएं बच्चे सब साथ उनके खड़े हो गए। तो आप मान रहे हैं कि इस बार जो है अखिलेश यादव जो कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के जो है नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वही जो है हर विधायक को, हर पार्टी के हर कैंडिडेट को जिताएंगे, जैसे कि जो बीजेपी वाले जो है कभी योगी के नाम पर, कभी मोदी जी के नाम पर जो चुनाव जीतते रहे हैं? अब इनका कोई नाम चलने वाला नहीं है, सब नाम भोथरा हो गया है। ये मतलब आपका नाम चलेगा ना इस बार? हमारा नाम अखिलेश यादव तो हर दिलों पर राज कर रहे हैं, आप देख लीजिए, हर दिल पर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बेरोजगार हो, हर जगह देख लीजिए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की रैली देख लीजिए, अभी आगरा में आप देख लीजिए, कल आप बुलंदशहर की हालत देख लीजिए, उसके पहले आप कैराना देख लीजिए, और पूरम में अब तो इनके उम्मीदवार खदेड़े जा रहे हैं। पूरम में आपने देख लिया, अभी इनके उम्मीदवार दौड़ाए गए। अभी आपने मथुरा में देखा, उनके मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं, नोएडा में उनके मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं। इनके नेताओं को तो जनता, हम नहीं कहना चाहते, कूटे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, बेल्थरा रोड में आप मौजूद हैं, आप बेल्थरा रोड में मान रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है? आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए, बेल्थरा समाजवादियों का गढ़ रहा है और समाजवादी हैं, हमारी पूरी तैयारी है, और जिस दिन हम उम्मीदवार हमारा आएगा उस दिन से हलचल देख लीजिएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार गांव से खदेड़ा जा रहा है, तो हमारे हमारे उम्मीदवार को तो लोग सर और आंखों पर उठाने को तैयार हैं। आप अभी बता चुके हैं कि 5 साल से जो है आपने जो है बहुत मेहनत किया है, तो 5 साल के बीच आपने पार्टी ने एक कैंडिडेट अभी तक जो है चुन नहीं सकी बेल्थरा रोड से, तो आप इस पे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ कैंडिडेट की लंबी लिस्ट है, हमारे यहाँ कोई विधवा विलाप करने वाला नहीं है, हमारे यहाँ इतनी कैंडिडेटों की लंबी लिस्ट है कि हम सामंजस्य बना रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। एक हफ्ता पहले बीजेपी जो कि आप प्रमुख विपक्षी दल सरकार में है, उसने जो टिकट भी दे दिया, आज उसका जो है नामांकन भी उसके प्रत्याशी का हो गया, क्या वो मजबूती से लड़ेगा कि आप जो है मजबूती? वो उधार के लिए गए, उनके पास तो कैंडिडेट नहीं था, वो तो बसपा का कैंडिडेट लिए हैं, जो लगातार राम का अपमान करते रहे हैं, महापुरुषों का अपमान करते रहे हैं, लगातार उन देवी देवताओं का अपमान करते रहे हैं, और वो उस पार्टी से आए हैं जहां लोग कहते थे कि जूता मारो, क्या नारा उनका था, और वहां से लौट के आए हैं, उनको इन्होंने अपने यहां लिया, इनके पास उम्मीदवार कहां है? तो उम्मीदवार ये दूसरे जो उधार लेकर लड़े, इनके पास उम्मीदवार से सर देखा जाए तो आप भी तो जो उधार के जो उम्मीदवारों को टिकट दिया है, अभी आप घोसी में देख लीजिए, आपने दारा सिंह चौहान को लिया और तुरंत टिकट दे दिया। मैं दारा सिंह उधार नहीं है, आपको यह होगा कि दारा सिंह समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे हैं और उनका थोड़ा हमारे दल के एक दिल्ली के नेता से थोड़ी अनबन हो गई तो कुछ दिन के चले गए। दारा सिंह तो हमारी उत्पत्ति है। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद लोक दल में रहे हैं, आपको याद होगा, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, माननीय नेताजी के साथ काम किए हैं और लोक दल की उनकी उत्पत्ति है, वो हमारे घर में है, हमने कहीं उधार उधार नहीं लिया है। आपको क्या लग रहा है बेल्थरा रोड में जो टिकट कब तक क्लियर होने वाला है? बिल्कुल जल्द, 2-1 दिन का इंतजार कीजिए, अच्छा न्यूज आएगी, अच्छे कैंडिडेट आएंगे और आपका अगला एमएलए। कितने कैंडिडेट, कितने दावेदार हैं बेल्थरा रोड में? दर्जनों से ऊपर है। क्या उम्मीद है, किसको मिल सकता है टिकट यहाँ? ये तो केवल अखिलेश यादव जी जानते हैं, फिर भी ये केवल अखिलेश यादव जी का विषय है, हमारा विषय नहीं। पूर्व विधायक गोरख पासवान ने जो क्षेत्र के लिए बहुत ही मेहनत की थी, उनके लिए आप क्या कहेंगे? गोरख पासवान जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, एमएलए रहे हैं, उनका कार्यकाल बहुत है, उन्होंने नगर में 5-5 सचल दस्त ये ट्रांसफार्मर दिया है, उन्होंने सड़कें बनाया है, उन्होंने बहुत काम किया है, यहाँ मुंसफी न्यायालय की स्थापना हुई है, यहाँ सब स्टेशन बने हैं, यहाँ सड़कें बनी है, यहाँ सोनाडी में
सब स्टेशन सुकृत है, आज तक ओपनिंग नहीं हुए। टंगनिया के अंदर पुलिस चौकी कायम हुई है, अभी वो परसिया में हमने अग्निशमन केंद्र बनवाया है, बहुत काम। समाजवादी पार्टी की सरकार में गोरख पासवान है मिले थे, बहुत सारा काम हुआ है। जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं, बेलथौर में उम्मीदवारी को लेकर एक दावेदार डॉक्टर संतोष राम भी हैं, जो कि पूर्व मंत्री भूरा राम के पुत्र हैं। सहानुभूति भी लोगों की उनके साथ देखी जा रही है, उनको किस तरह से मान रहे हैं बेलथौर? बहुत अच्छे हैं, पढ़ा लिखा नौजवान है, पूर्व मंत्री जी के लड़के हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, हमारी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और जनता में अच्छी छवि है। अगर आपसे जो है पूछा जाए सर, तो इनको एक दो तीन अगर नंबर दिया जाए तीन लोगों को, तो इसमें किसको पहले नंबर पर रखें? टिकट के सवाल पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। हम कैडर, हम तो 35 साल से समाजवादी पार्टी में, हम तो लोक दल में काम किए हैं, हम तो जनता दल में काम किए हैं, हम समाजवादी जनता पार्टी में काम किए हैं, हम स्थापना काल के मेंबर हैं 1992 से समाजवादी पार्टी के। पहला समाजवादी यूजन सभा का मैं जिलाध्यक्ष था, दो बार जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का रहा। मैं अखिलेश यादव, इस टिकट के सवाल पर अखिलेश यादव से इतर मेरी कोई अपनी राय नहीं है। तो आप ही की राय तो अखिलेश यादव की राय हो सकती है? वो हम उनको सलाह दे देंगे, हमसे पूछेंगे तो उनको बता देंगे, लेकिन अखबार में नहीं कह सकता। मतलब आप मान रहे हैं कि एक दो दिन में पार्टी जो है टिकट अपना? बिल्कुल, दो से तीन दिन आप इंतजार कीजिए, अच्छी खबर मिलेगी। और जो ये 10 दिन का जो लेट लतीफी हुआ है, वो आपकी लंबी कैंडिडेटों की लंबी सूची के कारण बहुत लंबी है, 1.5 दर्जन से ऊपर, 1 दर्जन मैंने कहा 1.5 दर्जन से ऊपर टिकट मांगने वाले हैं और एक से एक महारथी है। चर्चाएं ये भी है कि आप भी कहीं से टिकट मांग रहे हैं पार्टी से? मैंने तो बताया कि मधुबन का इलाका है, मऊ जिले का ये हमारा बेलथौरा विधानसभा का तटवर्ती मधुबन इलाका है। मेरा एक पैर अगर बलिया में रहता तो दूसरा पैर मऊ में, इस तरह की दूरी है हमारी। और वहाँ 80,000 यादव है, ये अमर उजाला की का सर्वे है, उसकी कटिंग भी मैं आपको दे सकता हूँ। और वहाँ मुसलमान की संख्या अच्छी है, वहाँ कमेरा वर्ग बहुत है, किसान बहुत हैं और सेकुलर मिजाज के लोग हैं, वो बिल्कुल समाजवादियों का गढ़ है, वहाँ समाजवादी MLA कई बार हुए हैं। सर उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने बरसों से पार्टी की सेवा की है, आपको एक जो है वहाँ से मौका मिले और चुनाव जीते। भारत मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।